कहाँ बना रहे थे? बना नहीं रहे साहब, फिर घूम रहे थे घर थे। हाँ, मसाला रखा था हमारे घर में। फिर क्यों ले गए थे मसाला बनाने के? तो ले गए थे साहब। कितना मसाला पकड़ा गया आपसे? 5 किलो मसाला बरामद। कितना इससे आतिशबाजी बन सकती थी? इससे 200 अनार बन सकते थे। तो अवैध रूप से बना रहे थे आप? परमिशन लेने चाहिए सर, परमिशन नहीं खाली है मेरे बंदे का, नहीं मिली इसलिए। आतिशबाजी का है तो इसमें जैसे आपको मालूम है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें आज 5 किलोग्राम बारूद और बने अधूने जो देशी अनार वगैरह हैं ये राजा रामपुर से जो है ये बरामद हुए हैं। इसमें ज्ञान सिंह जो है गिरफ्तार हुए हैं, राजा रामपुर गाँव चंद्रपुर के रहने वाले हैं और इसमें गिरफ्तार करने लगी राजा रामपुर के पता। सर ये संज्ञान में आया कि अलीगंज से किसी ने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया पटाखा बिक्री? सीओ और एसडीएम ने मीटिंग ली है थानों के अंदर में और उसमें ये बातचीत हुई है सभी लोगों से। सभी लोगों को जितने भी विक्रेता हैं सभी को बताया गया है कि लाइसेंस इसमें ले लें। ट्रेडिशनली अलीगंज में बताया जा रहा है पिछले साल भी किसी ने लाइसेंस नहीं लिया था, तो इस बार कोशिश की जा रही है कि लाइसेंस ये लोग ले लें और लाइसेंस नहीं लेंगे तो फिर उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो शासन ने जो डायरेक्शन दिए हुए हैं डायरेक्शन का पालन करवाया जाएगा। बाज़ार के अंदर में जैसे कि बताया गया है कि बीच बाज़ार के अंदर में आतिशबाजी जो है नहीं करनी रहनी है, बेचनी नहीं होनी। इसके अलावा जो हमारा कॉमन क्षेत्र चिन्हित किया गया वहीं पर ही आतिशबाजी।